सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा ब्रीफ पंजाब चैनल विच। अज दी वीडियो विच आपां गलबात करदे हां भारतीय राजां बारे। आज दसांगे कि उह की माणाईयां करदे सन ते किहड़े-किहड़े काम करन वास्ते वी उहनां नौकर रखे हुए सन। इहनां राजां बारे हैरान करन देण वाले खुलासे इस वीडियो विच करांगे। वीडियो अखीर तक जरूर देखना ते अगे शेयर जरूर कर देना। गल है 1857 ईस्वी दी, जदों भारतीय फौज के विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत दीआं धज्जियां उड़ा दित्तियां सन। इस घटना तो बाद अंग्रेजों ने भारतीय रियासतां प्रति अपने व्यवहार में बदलाव कर लिया सी। उस समय अंग्रेजी राज की सारी कमांड महाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथों में लै ली सी। हरेक भारतीय रियासतां नाल अंग्रेजों वल्लों हुण नरम रुख अपनाया गया। अंग्रेजों की चाल यह सी कि भारतीय राजिआं नूं राज करन दीआं असीम ताकतां दे दित्तियां जाण, जिस करके लोकां विच राज करन दी इच्छा नूं कुचलिया जा सके। भाव फुट पाओ अते राज करो। भारतीय राजिआं नूं हौली हौली बहुत ज़्यादा ताकतां दित्तियां जाण लगियां, इत्थों तक कि उन्हां रियासतां दे लोकां दे जम्मण मरण अते वी राजिआं दा ही कंट्रोल हो गया सी। भारत दे सारिआं राजिआं कोल बेअंत पैसा सी, पर बहुत ज़्यादा अधिकार मिलने करके उन्होंने दिमाग भी बहुत ज़्यादा खराब हो गए सन। सारे महाराजे यह सोचने लग पे सन कि वह आम जनता तो बहुत उच्चे अते किसी रबी अवतारा के वंश जान। दृष्टिकोण की यह तब्दीली कारण वह सड़की बन गए सन। उन्होंने रोजाना जीवन दियात बहुत ज़्यादा विगड़ चुकिया सन, जिस करके अंग्रेजों हूँ भारत के अपने पिट्ठू मिल चुके सन। 1857 की क्रांति की लड़ाई के 50 साल बाद सारे भारतीय राजे आलसी जिंदगी के आदि बन चुके सन, जिस करके उन्होंने रोजाना जिंदगी दियात भी बहुत हासोहीनिया रूप में बहर आने लगिया। कई महाराजे तो इतों तक आलसी हो गए सन कि उन्होंने व्डिया तनखाह अजे नौकर रखे हुए सन जो उन्होंने पगं बनते पजामिया के नाले खोलन बनन का काम करते सन। चलाक दरबारी वजीर महिला में अजिहियां औरतां ही रखते सन जो हर वक्त इन्हां महाराजां नूं काम वासना दे हनेरे विच जकड़ के रख दियां। बहुत सारे राजे तो अपने दरबार में पंडितां जोशियां ते जादू टोने करन वालियां नूं भी भर्ती करन लगे सन जो उन्हां दी काम शक्ति विच वाधा करवाउण। अजिहा ही एक राजा सी कपूरथले दा, महाराजा जगतजीत सिंह, जिसकी बचपन तो ही यह आदत पक चुकी सी कि वह अपने पजामे का नाला बन्नण जां खोलण लई किसे नौकर का ही मदद लैंदा सी। आम तौर पर सरकारी अहुदे वाला गजटड अफसर हर सरकारी समागम विच उसके नाल रहिंदा सी कि पता नहीं किहड़े वेले महाराजे नूं उसकी लोड़ पै जावे नाला खोलण अते बन्नण वास्ते। महाराजे की इस अजीब आदत बारे केवल शाही महल के खास अफसरां नूं ही पता सी। इस एक दिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं सी आउंदी क्योंकि महाराजे दे नाल बन्नन खोलन वास्ते हमेशा दो चार नौकर उसके नाल रहिंदे ही सन, पर कई बार वह बड़ी अजीब स्थिति विच फसिया। होया कि एक बार जदों महाराजा जगतजीत अपने सालाना दौरे समय लंडन दे विच छुट्टियां मना रहा सी तां उस समय उन्हां दे राजे इंग्लैंड दे राजे जॉर्ज दे राणी ने बकिंगम पैलस विच हो रहे एक विआह समारोह विच उस नूं शामिल होने लई सद्दा दित्ता। उत्थे महाराजा अपना शाही लिबास पहन के पहुँच गया। उसने वह इतिहासक कमरबंद ते तलवार भी पहनी हुई सी जो नादर शाह ने उसके वडेरियां नूं तोहफे वजों दित्ते सन। बकिंगम पैलस विच उसका निघा स्वागत किया गया। महाराजा नाच गाने वाले इस समारोह विच शामिल होकर बड़ा खुश सी। इस समागम में अंग्रेजी राज के उच्च कोटी के अफसर और इंग्लैंड के रईस लोगों को शामिल किया गया सी। जदों नाच शुरू होया तो महाराजे ने हाइनस बेगम आगा खान को अपने नाल नचण लई बुलाया। इस तो बाद भी महाराजा कई होर खूबसूरत औरतों के नाल नचया। फिर रात का खाना सजाया गया। खाना अजे खाना ही सी कि महाराजे को अचानक पेशाब जाने की लोड़ महसूस हुई। समारोह में उसनू कल्ले नू बुलाया गया सी। कोई भी अफसर जां वजीर जां कोई नौकर उसके नाल नहीं सी गया। इस करके महाराजा बड़ा परेशान हो गया कि हुण पजामे दा नाला खोलण लई उह किसनू कहे। कुछ देर दी झिझक पिछों उसने बादशाह के निजी सकत्तर नू बड़ी हलीमी के नाल पुछया
कि वह अपने मुख्य सेवादार इंद्र सिंह नूं बुला सकता है जो हाल दे बाहर खड़ा सी। कुछ चिर ना नुक्कर करन तों बाद उसने महाराजे की गल मन ली। फिर जदों इंद्र सिंह जल्दी जल्दी महाराजे कोल पखाने के अंदर आया तो महाराजे ने सुख का साह लिया। इस बारे जदों इंग्लैंड के किंग जॉर्ज नूं पता लगा तो उन्हें बड़ी उच्ची आवाज़ में सारे नूं यह गल दसी ते सारे हसन लग पाए। किंग जॉर्ज बोलिया कि महाराजा कपूरथला किड्डे वड्डे बेशर्म हन। फिर अगे रहिंदी जिंदगी तक महाराजे जगत जीत ने कोई भी अजिहा सत्ता प्रवान ना किया जिथे कोई स्टाफ मैंबर नाल जाण दी इजाजत होवे। यही मसला महाराजे की पग दे नाल भी सी। महाराजे की पग उसके सिर ते बन्नण लई हमेशा एक नौकर उन्हां दे कोल रहिंदा सी जिसनूं मसाहिब आखदे सन। ये सेवादार पहला तो ही कई पग्गां पहला बन्न के तैयार रखदा सी। अजिही हालत पटियाले दे राजे भुपिंदर सिंह ते कई होर सिख राजां दी सी जो लंबे केस अते दाढ़ी रखदे सन। महाराजा भुपिंदर सिंह मौसम दे हिसाब दे नाल वक्खो वक्ख रंगां दीआं पग्गां बन्नदा सी। ये राजे पग्गां नूं इक टोपियां वांग ही पहन लैंदे सन। सो यह सी करतूतां इन्हां राजां दीआं जो इन्ने आलसी हो चुके सन। आजादी इन्होंने सवाह लैके देनी सी। सो दोस्तों वीडियो पूरी देखने लई तुहाडा सब दा धन्नवाद। अपने विचार कमेंट विच जरूर दस्यो ते इसे तरह दीआं होर वीडियो लई ब्रीफ पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो।